क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए युवाओं को नशीली दवा अल्प्राजोलम बेचने वाले आरोपी शादाब हुसैन निवासी चंदन नगर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी के कब्जे से क्राइम ब्रांच ने NRX अल्प्राजोलम बिकाम टैबलेट्स जब्त की है। गौरतलब है कि आरोपी इन मादक पदार्थों को दोगुने दामों में बेचता था। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आरोपी से आगे की पूछताछ प्रारंभ कर दी है। इंदौर पुलिस के द्वारा जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग हैं या जो उनका सेवन करने वाले एडिक्ट हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभी क्राइम ब्रांच के द्वारा बीच में न केवल गांजा वगैरह बल्कि ऐसे लोग जो पाउडर या जो प्रतिबंधित दवाएं जो टैबलेट्स हैं उनको बेचने वाले लोगों को भी पकड़ा गया है। अभी इसमें एक जो आरोपी है सद्दाम नाम का पकड़ा गया है। ये मुख्य रूप से जो चंदनगर एरिया है वहाँ का रहने वाला है और ये जानकारी मिली थी कि ये जो अल्प्राजोलम टैबलेट है डिप्रेसेंट के रूप में जो यूज होती है उसको ये बेच रहा था। ये बेसिकली कहीं से खरीदता है और उसके बाद उनको ऊंचे दामों में गली मोहल्ले में जो इस प्रकार के लड़के जो नए लड़के ड्रग एडिक्ट हैं उनको ये बेचता है। अभी इसे लगभग 400 के आसपास जो टैबलेट्स हैं वो बरामद हुई हैं और पूछताछ हुई जिसमें इसमें स्वीकार किया कि कोई एक दूसरा लड़का है उसके माध्यम से ये लेता था और लेने के बाद में जो ड्रग एडिक्ट हैं उनको ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है।